एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है कि मैं जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल का एक प्लेस तैयार कर रही हूँ और उसके लिए स्पेशल चीज़ें भी बना रही हूँ। उन्हीं स्पेशल चीज़ों में से मैंने आज एक ड्रेसिंग टेबल बनाया है लड्डू गोपाल के लिए। हमारे यहाँ राधा जी भी हैं तो उनके लिए, उनके श्रृंगार के लिए लड्डू निहारे बार बार आए ना, तो मैंने उसी में बताया है। ये मैंने रेड कलर की जो है अरबी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, तो ये मैंने यूज़ किया है, कागज़ की तरह होती है और बहुत ही सस्ते में बन गया। ये मैंने लिया था लगाने के लिए शीशे पे, ये मुझे 10 रुपये का पड़ा था, तो मैंने ऐसे कट के, बल्कि इसमें से बच भी गया है, ये आधा लग गया है। तो ये सब ऐसा 20 रुपये में बन के चीज़ तैयार हुई है, ज़्यादा पैसे नहीं लगे। बस आपको हाँ एक ग्लू गन में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 100 रुपये का जो मंगाना पड़ेगा, उसके बाद आप एक बार सामान खरीद लें, उसी में से ही लड्डू का सब सामान बन जाता है बहुत ही ईजी से। फिर मैंने माचिस से बनाया ड्रॉअर जो होते हैं वो खुलने के लिए, और ग्लिटर पेपर मैंने इस पर लगा दिया। अब इनको दोनों को एक साथ ऐसे हम ग्लू गन से चिपका देंगे, फिर उसके ऊपर हम अरबी लगा देंगे ताकि माचिस ना दिखे, अच्छा अच्छा सा प्रिंट दिखे इस पर। यहाँ पे मैंने गम से इसको चिपकाया है, यहाँ पे ग्लू गन नहीं लगाए, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो चीज़ लगाएं, ऐसे ही वेस्ट ना करें कि सब जगह ग्लू गन ही लगा रहे हो। जहाँ पे मजबूती के लिए करना है वहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करें, वरना सब जगह ग्लू लगाएं। यस, देखिए ये मैंने फिर ऐसे ग्लू गन से चिपका दिया, और ये यहाँ पे मैंने इसमें मोती लगाए, इनसे ये जो डोर बने हैं ये खुल जाएंगे। ये शीशा मेरे पास रखा हुआ था, ये मैंने ऐसे लगा दिया और फिर ये ऐसे चिपका दिया, और देखो आपके सामने कितना प्यारा सा एक शीशा है जो कि खुलता भी, आप लड्डू की छोटे छोटे सामान इसमें रख सकते हो, राधा जी अपना श्रृंगार बैठ के अच्छे से कर सकती हैं।